हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल आई होप आप सभी लोग ठीक हैं कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर तो आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है जी आज की रीडिंग का टॉपिक वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा बट डेफिनेटली आप लोगों को मैं ब्रीफ में ज़रूर बताऊंगी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज की रीडिंग एक ओपन रीडिंग है चाहे आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है चाहे आप अभी एक लवली रिलेशनशिप में है चाहे आप वेटिंग में हैं चाहे आप सिचुएशन में हैं लाइक वट एवर द इशू इज आप सभी लोगों को Uh, ये एक ओपन रीडिंग uh, साबित होगी और सभी से रेजोनेट होगी और गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी सो so, uh, आज पहली बार मतलब आई थिंक पहली बार नहीं लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मैं रीडिंग्स कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों के लिए इंट्रो शूट करती हूँ बट मैंने आप लोगों के लिए इंट्रो शूट किया है बाद में मैं रीडिंग्स कर चुकी हूँ पाइल्स की तो डेफिनेटली सही बोलूँ तो बहुत ही प्यारी रीडिंग्स निकल कर आई हैं uh, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आप लोगों को पता लगेंगी इस रीडिंग के दौरान देन डेफिनेट गो एंड वॉच दिस वीडियो अगर आप लोगों आप लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं गाइज आपको पता होगा मैं लव रीडिंग नहीं कर रही थी बट बिकॉज आई वॉज नॉट गाइडेड फॉर दैट बट अब से डेफिनेटली आप लोगों को रोजा ना एक लव रीडिंग देखने को ज़रूर मिलेगी तो नेक्स्ट लव रीडिंग मुझे किस टॉपिक पे करना चाहिए सजेशन बॉक्स के अंदर नीचे ज़रूर अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा अपना सजेशन अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और उनके लव मैसेजेस क्या है तो दिस इज़ पाइल नंबर वन दिस इज़ पाइल नंबर टू जस्ट आप लोगों ने अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर पिक करना है ये पाइल नंबर वन है ये पाइल नंबर टू है ठीक है पाइल नंबर वन में हमारे पास बी डी एफ एच जी एल एन पी आर टी वी एक्स एंड जेड और पाइल नंबर टू में है ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू एंड वाई तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को एंड डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल आई होप आप सभी लोग ठीक हैं स्वस्थ हैं सब बढ़िया है सो माई ब्यूटिफुल पीपल पायल नंबर वन अगर आप लोगों ने पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर हो सकता है इनमें से कोई एक अच्छे से देख सकते हैं आपके पार्टनर का जो भी नेम है ऑफिशियल नेम आई एम नॉट यू नो टेलिंग यू अबाउट द निक नेम जैसे हम कुछ भी बुला लेते हैं उन्हें तो क नेम नहीं यहां बात हो रही है ऑफिशियल नेम की अगर आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनके नाम का पहला अक्षर यहां पर है तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो सबसे पहले मैं निकालूंगी यहां पर काज आप लोगों के लिए आज हम चेक कर रहे हैं करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन लव मैसेजेस ओके चलिए देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए लेट सी बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स एंड द जेड Anged man the Hierophant, five of wands the fool ace of swords the tower hmm. seven of cups three of pentacles सेवन ऑफ पैंटिकल्स एट ऑफ कप्स King ऑफ Pentacles एंड द थ्री ऑफ Wands. Bottom ऑफ द डे क्वीन ऑफ Wands. अब देखो पता नहीं क्यों मुझे ये ना ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दे रहा था और यहाँ पे फिर क्वीन ऑफ वॉर्न्स भी है चलो एनी वे स्टार्ट करते हैं देखते क्या आता है आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को जोडिक्स बता देती हूँ ये जोडिक्स हो सकता है आपके हो या ऐसा भी हो सकता है कि ये जोडिक्स आपके पार्टनर के हो, ठीक so है सो यहां पर जोडिक्स है टॉरस टोरसो कैप्रिकॉन्स एरिस लियो सेजिटेरियस जमेनाई लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस ठीक है ये मुझे यहां पर आप लोगों के क्या नजर आ रहे हैं या तो ये आपका जोड़ियक हो सकता है या फिर ये जोड़ियक हो सकता है आपके पार्टनर का ओके आई थिंक अब ठीक है सबसे पहला कार्ड यहां पर है हैंडमैन हैंडमैन का कार्ड दैट मीन्स मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पहला ही कार्ड जो निकला है देखो पहला कार्ड और सबसे आखिर का कार्ड जो होता है वो एनर्जी होती है पूरी रीडिंग की तो मुझे यहाँ पर विद द हैंगमैन का कार्ड ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि आप और आपके पार्टनर ना अभी किसी तरीके की सिचुएशन में स्टक हैं स्टक इन सेंस जहाँ पर आपको भी नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है इस रिश्ते का और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी नहीं पता कि क्या हो सकता है इस रिश्ते के अंदर ठीक है थ्री ऑफ Pentacles ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं आप आप आपकी फैमिली इज़ इन्वॉल्व हैं आपके पार्टनर की फैमिली इज़ इन्वॉल्व हैं एंड यू गाइज आर टोटली स्टक इन सम कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है थ्री ऑफ पार्टिकल्स फाइव ऑफ बॉन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में ना चीज़ें तकरार कॉन्फ्लिक्स बहुत नेगेटिवली बढ़े हैं ठीक है थीके? और ये कॉन्फ्लिक्ट इतने नेगेटिव तरीके से बढ़े हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो हाउ टू डू लाइक हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस किस तरीके से रिएक्ट किया जाए हम्म hmm. एक चीज़ मैं यहाँ पे और फील कर रही हूँ कि uh, जैसे आपके पार्टनर को ना किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रांगली विश्वास नहीं हो पा रहा है या आपके पार्टनर ना चीज़ों को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं और एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि इस पर्सन के साथ ना फॉर श्योर आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है और ये जो कनेक्शन है ना ये आप दोनों को इतना स्ट्रांग है कि ये पास्ट से चला आ रहा है मतलब एक एक लंबा अरसा ठीक है एक लंबा अरसा हो गया है इस रिश्ते को क्रिएट हुए नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो आप लोगों के लिए देख रही हूँ वो है कि अभी हाल फिलहाल मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं बात नहीं हो रही है हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना लाइक वी हैव एट ऑफ कप्स का कार्ड इस ये पर्सन है ना आपको टोटली छोड़ कर चले गए हैं या फिर टोटली एकदम दरकिनारा करके और साइड हो गए या हो सकता है आपने इस तरीके से कुछ किया है कि लाइक बिल्कुल दरकिनारा करके साइड हो गए इस इंसान से ठीक है ऐसा हो सकता है जिन भी लोगों के पर्सन का नाम बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स और जेड से स्टार्ट होता है उनके बारे में बात हो रही है हाँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा चीज़ों का चल रहा है स्टक है बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं ओवर थिंकिंग चलती रहती है ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है चीज़ों पे, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे रहे हैं या तो ये बिल्कुल छोड़कर चले गए कम्युनिकेशन टोटली कट करके एकदम बाय बाय बोल के या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अभी कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि आपको पिक करें या किसी और को पिक करें ठीक है तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो ये तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही हैं अब हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं देखो सबसे पहली चीज़ तो ये उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर हो भी सकता है या नहीं हो सकता है लाइक like उन्होंने अपने फिंगर्स क्रॉस कर रखी हैं ऐसे कि ऐसा कुछ अच्छा हो जाए जिससे कि दोनों फैमिलीज या हम दोनों के बीच में कुछ अच्छा पॉजिटिव हो पाए लेकिन उनको ना आस बहुत कम नज़र आती है आस कम क्यों नज़र आती है क्योंकि जब भी वो पीछे मुड़कर देखते हैं आपके जो पार्टनर है ना जब भी पीछे मुड़ देखते हैं ना तो उन्हें नज़र आते हैं कॉन्फ्लिक्ट यानी कि फालतू के लड़ाई झगड़े सेवन ऑफ कप्स ढेर सारे ऑप्शन्स एस ऑफ सोच ओवर थिंकिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर माई ब्यूटिफुल पीपल जो उन्होंने खुद ने भी अपने दिमाग में सोच ली जबकि ऐसी है नहीं ठीक है ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही हैं जैसे कि उनके दिमाग में ना अभी कभी कभार उनके दिमाग में आपकी जो एनर्जी है या आपकी जो मिसिंग वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा रहती हैं लाइक ओवर थिंकिंग करते रहते हैं चीज़ों को लेकर के और सोचते रहते हैं वी हैवे थ्री ऑफ वॉर्ड्स का कार कि यार ऐसा क्यों हुआ ऐसा हुआ मेरे साथ उसके साथ ऐसा हुआ काश कुछ और हो पाता काश कुछ और कर पाते हम लोग ऐसी एनर्जीज़ बहुत रहती हैं रेस्टलेस रहते हैं थ्री ऑफ वॉन्स पेशेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है और पावर uh, मुझे नज़र नहीं, नहीं आ रही है ये कर सब कुछ रहे अपनी लाइफ में सी वी हैव अ कार्ड ऑफ हैरोपेंट फूल ठीक है थ्री ऑफ पार्टिकल्स अपनी फैमिली को स्टेबल करने के लिए कर सब कुछ रहे हैं हो सकता है जॉब भी कर रहे हैं कमा भी रहे हैं काम भी कर रहे हैं अच्छे से खाना भी खाते अच्छे से सोते भी हैं सब कुछ हो रहा है लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें हॉन्ट करती हैं पास्ट की और नेगेटिव महसूस कराती हैं कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि या तो आप या फिर उनका परिवार या तो उनका परिवार या सिर्फ और सिर्फ आप ये भी चीज़ उनको नज़र आती है मतलब 100% परसेंट श्योरिटी के साथ नहीं है ठीक है मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है मैं ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन पीपल कि सम हाउ देखो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग जो मुझे फ़ील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ इसीलिए मैंने सबसे पहले सिचुएशन आप लोगों को बताई ताकि आप समझ सके कि हाँ ये आप ही की रीडिंग है ओके okay? तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे जो फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली वो है कि या तो आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन कोई आपकी जगह लेने वाला आ गया है या फिर कोई आ रहा है बार 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 ठीक है सेम एनर्जीज में टावर का कार्ड है खुश तो वो भी नहीं है आपसे दूर होकर के ठीक है ओवर थिंकिंग करते हैं अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं आपको स्टॉक भी हो सकता है करते हो हालांकि पे स्टॉकिंग का कार्ड नहीं है बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि हाँ स्टॉकिंग भी हो सकती है दूर से कहीं खड़े होकर आपके ऊपर जैसे नजर रखने वाली बात कि हाँ चलो देखे तो सही कि क्या चल रहा है इसके लाइफ में ठीक है सेवन ऑफ पार्टिकल्स इस रिश्ते को एक चांस जरूर देना चाहते हैं लेकिन इस रिश्ते को चांस कैसे दे इस चीज़ के बारे में इनको नहीं पता ठीक है इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही आप हो और इनके पास ऑप्शन नहीं है ही और शी हैज़ सो many options इन हर और हिज लाइफ लेकिन किंग ऑफ pentacles अटके हुए हैं आपके बीच में ठीक है तो ये तो इनकी एनर्जीज हैं फॉर श्योर पाइल नंबर वन पीपल अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन है या बहुत अच्छा चल रहा है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है मुझे यहाँ पे ज्यादातर लोग वो नजर आ रहे हैं पाइल नंबर वन वाले जिनका कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो है या फिर जिनका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल खत्म है फॉर एग्जांपल कभी कभार एक दो मैसेजेस एक्सचेंज हो जाते हैं ऐसे या तो या बिल्कुल ही ब्लॉक वगैरह कर दिया और चले गए गायब टोटली ठीक है तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं नाउ लेट्स सी इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ठीक है तो ये तो रही बाबा बात इनकी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन और इनकी एनर्जीज़ की एनर्जीज ये हैं एट ऑफ कप्स बहुत हैवी एनर्जीज हैं प्लीज एंजल्स गाइड कीजिएगा एक्शन देखेंगे हम लोग उनका अभी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन टेन ऑफ सो द फाइव ऑफ कप्स एंड द टू ऑफ सो बाबा अरे अभी तो मैं कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ अभी कम से कम दो महीने आप जब भी इस रेडी को देख रहे हैं ना उसके ठीक स्ट्रांगली दो महीने तक तो आई एम नॉट सींग एनी स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन या कोई एसट स्ट्रोंग क्या बोलते हैं उसे एक्शन ठीक है आपके लिए क्योंकि फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है उन्हें तो चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही हैं और वो तो ऐसे बिखर कर बैठ गए हैं जैसे सब खत्म है डिसपॉइंटेड एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलूंगी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जहां पर आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहते हैं कभी आपके ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं और कभी डिसअपॉइंटेड रहते हैं कुछ ऐसी पास्ट की चीज़ें हुई हूँ ऐसा इसलिए एंड क्योंकि टेन ऑफ सोच्स का कार्ड है आई आई डोंट थिंक सो अभी कम से कम दो महीने कोई एक्शन है उनका अभी नहीं है पेज ऑफ वांस इन मिच्योर एनर्जीज में अभी आई एम नॉट सींग एनी काइंड ऑफ एक्शन अभी कोई एक्शन नहीं है अपकमिंग हम क्या देख सकते हैं लेट्स सी अपकमिंग हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान से डिस्टॉर्टेड फेमिनिन मैनिफेस्टेशन एंड इनर पीस एडवाइस भी आ गई आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड्स मैं निकालूंगी अभी उनके लव मैसेजेस भी निकालूंगी बट uh, आप लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें आई है देखो अभी तो नेक्स्ट हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिस्टोर्टेड फैमनिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहे आप जिस भी इंसान के लिए देख रहे हैं अगर वो लड़के भी हैं ना यानी कि मस्कुलिन पर्सन है तो भी उनकी एनर्जीज एकदम फेमिनिन रहने वाली है फेमिनिन का मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे बुझे हुए बिल्कुल बुझे हुए जैसे ठीक है डिस्टॉर्टेड फैमिलेन बिल्कुल बुझे हुए एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ख़त्म वाली एनर्जी में है इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन है बहुत ज़्यादा परेशान है ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ऐसे जैसे एक लड़की होती है ना जो रो रही होती है छोटी बच्ची जैसे बिल्कुल वैसे तो डिस्टॉर्टेड फैमिलेन अभी उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टू बी वेरी ऑनेस्ट इनफैक्ट आपको बोला जा रहा है द पीपल हु दिस वीडियो राइट नाउ कि अभी आपको क्या करना चाहिए ना इफ़ यू वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ तो आपको इन्हें मैनिफेस्ट करना चाहिए मैनिफेस्टेशन करना चाहिए ठीक है और इनको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने आप को यू आर इनफ का कार्ड है यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाती हूँ यू आर इनफ तो आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक चीज़ याद रखिएगा ये तो अपनी लॉफिंग्स और नेगेटिविटीज से बाहर नहीं आ रहे हैं अभी तो आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना चाहिए

वट आर दी लव मैसेजेस लव मैसेज है यू आर वेरी फगीविंग तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है हो सकता है इनको एक स्ट्रांग गिल्ट भी है तो वो चाह रहे हैं कि आप बहुत फगीविंग पर्सन है आप इन्हें माफ कर दें जो भी हुआ वो इस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं सेकेंड है यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज उनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने उनको सपोर्ट किया है जैसे प्यार किया है वैसे किसी ने कभी नहीं किया है यू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट माई लिमिटेशन और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपने हमेशा उन्हें यू नो एक्सेप्ट भी किया है और उन्होंने आपने रेस्पेक्ट भी किया है एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड और उनको भी ऐसी एनर्जी फील आ रही है कि लाइक अभी इस लव रिलेशन वाली एनर्जी में नहीं जाना चाहिए थोड़ा सा अभी बेस्ट फ्रेंड वाले मोड पर ही रह लेना चाहिए दैट विल बी मोर गुड लास्ट लेट्स सी सम एडवाइज वैसे तो आप लोगों को एडवाइस मिल ही गई बट डेफिनेटली चेक जरूर करेंगे सो वट आर दी एडवाइजेज लेट्स सी सो इस कनेक्शन के लिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि पॉजिटिव रहें अच्छा सोचें ठीक है अपने आप को हील करें अपने आप को रिकवर करें ट्रस्ट करें जो आपके साथ हो रहा है वो बहुत बेहतरीन है ठीक है ट्रस्ट करना सीखें तो पाई नंबर वन पीपल अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक था तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज उनकी फीलिंग्स उनके मैसेजेस उनके नेक्स्ट एक्शन आप लोगों को कैसे लगी आज की रीडिंग मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डेफिनेटली दोबारा से एक बहुत ही खूबसूरत लव रीडिंग देखने के लिए अपना सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना ना भूलें तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल आई होप आप सभी लोग ठीक है स्वस्थ है सब बढ़िया है आप सभी के साथ तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर टू को पिक किया है इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर है इनमें से कोई एक यानी कि आपके पार्टनर का नाम है ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई में से किसी एक अल्फाबेट से शुरू तो अगर ऐसा है आइए शुरू करते हैं। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूं एंड लेट्स वट दिस पर्सन इज एक्जैक्टली थिंकिंग अबाउट यू उनकी करेंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं और नेक्स्ट uh, एक्शन उनकी तरफ से हम क्या देख सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आगे आने वाला समय आप दोनों के लिए कैसा रहेगा आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं सिचुएशंस में आप लोगों को बताऊंगी सो so दैट आप लोग अवेयर हो जाए कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग मेरे हाथ ही नहीं रुक रहे हैं जैसे बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ पैंटिकल्स टॉरस वो एंड द अब देख रहे हैं मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं उफ तो सबसे पहला कार्ड है यहां पे थ्री ऑफ सोड्स लिब्रा एक्वेरियस दूसरा कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोड्स अगेन एयसाइन सेवन ऑफ एरीज लियो एंड सैच एरीज ल्यू एंड वेजिटेरियस फिर हमारे पास द स्टार एक्वेरियस फिर हमारे पास मून द कैंसर एम्प्रस द टॉरस जस्टिस लीब्रा पीपल्स नाइन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस चैरिएट कैंसर पेज ऑफ कप्स अगेन वॉटर साइन तो हम्म डेफिनेटली 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 बिल्कुल समझ रहे हो ओके okay. सबसे पहली चीज़ तो ये आप दोनों के बीच में अगेन द सेम थिंग जैसा पाइल नंबर वन में आई थी या तो कम्युनिकेशन है लेकिन बहुत ही कम है मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम बहुत ही कम चल रहा है ठीक है उस तरीके के सीन मुझे यहाँ पे ज़्यादा नजर आ रहे या फिर बिल्कुल कम्युनिकेशन है ही नहीं ठीक है मुझे यहाँ पे एक स्ट्रांग चीज नजर आ रही है जैसे कि आप इस पर्सन को ना इस पर्टिकुलर पर्सन को दूर कहीं बैठे देखते रहते हो बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सो मैं एक एक कार्ड दिखाती हूँ दूर कहीं बैठे हुए देखते रहते हो या ये इंसान आपको कहीं दूर बैठे हुए देखा देखता रहता है या देखती रहती है सी एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है तो फिट योअर सेल्फ बट अपने आप को बहुत ज्यादा फिट करने की जरूरत नहीं है जस्ट टेक वट रेजनेस ओके तो आप है ना आपकी एनर्जी ये है जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है बहुत स्ट्रांग क्वीन ऑफ सोट्स आप एक ऐसी लेडी हैं या एक आप ऐसे इंसान हैं या आप एक ऐसे मैन हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं चाहे जितने मर्जी दुख आ जाए चाहे जितनी मर्जी परेशानी हो जाए लेकिन आप दोनों एक दूसरे को लेकर मतलब आप अपने आप को लेकर के बहुत ही क्लियर रहते हैं बहुत ही फ्रीडम वाली एनर्जी में रहना पसंद करते हैं अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं ठीक है और आप इस इंसान को ना बहुत दूर बैठ कर के देखते रहते हो निहारते रहते हो सोचते रहते हो कि अगर साथ होते तो कैसा होता कुछ इम्पॉसिबल कनेक्शंस और कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं या तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया है या फिर आपने इस पर्सन को धोखा दिया है ओके इन द पास्ट और इस धोखे धड़ी की वजह से या कुछ छुपम छुपाई की वजह से वी हैव अ कार्ड ऑफ थ्री ऑफ सोज आप और आपके पार्टनर के बीच में ना कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत मतभेद हैं बहुत ही मतभेद या फिर अब कम्युनिकेशन इतना सा भी नहीं है या बिल्कुल ही खत्म हो चुका है कि कोई सिचुएशन या कोई क्लैरिटी आ ही नहीं पा रही है दिस इज आल्सो आई एम गेटिंग एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है वो है कि या तो ये इंसान किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के मसलों में फंसा हुआ है या फिर ये जो बंदा है ना या ये जो बंदी है ये क्लियरली आपको ना रियालिटी नहीं बता पा रहे हैं ठीक है सो जस्ट टेक वॉट रेजनेट्स प्यार में खुशियां तो नहीं चल रही है ये तो रियलिटी है प्यार में नेगेटिविटी और बर्डन बहुत ज्यादा चल रहा है ये मैं चीज़ देख पा रही हूँ बहुत बहुत स्ट्रांगली ये चीज मुझे दिख रही है बहुत ज्यादा इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा एंड क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है तो आई मस्ट से कि ये इंसान ना अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सब सब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी को लेकर के अपने करियर को लेकर अपनी अपनी लाइफ को लेकर अपने अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर हम्म बिल्कुल बिल्कुल ओके okay. तो ये सिचुएशन मैंने आप लोगों को बता दी ये सिचुएशन हो सकता है अभी चल रही है या हो सकता है कि पास्ट में रही हो हम्म अब हम बात करेंगे दैट व्हाट दिस पर्सन इज एग्जैक्टली थिंकिंग अबाउट यू जैसा कि मैंने बोला आप दोनों के बीच में कनेक्शन मुझे या तो बहुत जुड़ जुड़ के खत्म हो हो के जुड़ जुड़ के ख़त्म हो के नजर आता है या फिर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है एक लंबा अरसा हो चुका है आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन वो बिल्कुल खत्म है एकदम टोटल लॉस्ट तो ये इंसान ना आपके बारे में रेगुलरली नहीं सोचते हैं मैं ये चीज़ बता दूँ आप लोगों को रेगुलरली नहीं सोचते हैं कभी सोचते हैं कभी नहीं सोचते हैं कभी दिमाग में आप आ जाते हो तो आपके बारे में सोच लेते हैं या ऐसा होता है कि कभी सोचते ही नहीं है ठीक है मतलब एक ऐसा नहीं है कि ट्वेंटी फोर इन सेवन आप चल रहे हो उनके दिमाग में लाइक अ फोकास्ट ऐसा होता है कि कभी आ गया तो ठीक नहीं आया तो ठीक ऐसी वाली एनर्जी है ठीक है दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आती है जिन जिन लोगों का अभी लाइक थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन है या आ, पास्ट में कोई ऐसी चीज़ रही है तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है जैसे आ, उनको ऐसा लगता है कि आप एक है ना यू नो एक पेज ऑफ कप्स का कार्ड एक ऐसे इमिच्योर पर्सन हो या एक ऐसी इम्मिच्योर पर्सनैलिटी हो जो अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है पास्ट में ठीक है या आपने इनका दिल दुखाया एनर्जीज वाइस वर्षा हो सकते हैं तो अब इनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है उतनी हिम्मत नहीं है कि सामने आकर के आपको कुछ बोल सके हालांकि अपनी लाइफ को लेकर के होपफुल है आपको लेकर के नाइन ऑफ कप्स दैट मीन्स उनके दिमाग में आता है बहुत बार कि यार आ, मैंने ना गलती कर दी या मैंने एक एक बहुत ही बड़ी ना कोई आ, जैसे कहते हैं ना कोई ऐसी कोई गलती कर दी जिसका अब कोई सोल्यूशन नहीं है ठीक है ऐसा भी उनको फील होता है एम्प्रेस का कार्ड है आई मस्ट से जो भी इंसान इस रीडिंग को देख रहा है उसकी एनर्जीज़ बिल्कुल माँ जैसी है माँ जैसी इनसे एकदम ममतामय ठीक है तो उन्हें अपनी जिंदगी में ऐसा भी नजर आता है बहुत बार फील होता है दैट दे एक्चुअली डोंट डिजर्व यू द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो गाइज आपके पार्टनर को ऐसा नजर आता है या फील होता है कि कहीं ना कहीं वो आपको डिजर्व नहीं करते थे बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी और ये क्या है ये है पेज इमिच्योर पर्सन तो बहुत तकलीफ दे महसूस करते हैं बहुत बार और इनको ऐसा लगता है जैसे कि इनकी पूरी जिंदगी ही है नष्ट एकदम खराब बेकार बेजार सी और आपको लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे रहते हैं लाइक आप इनकी जैसे विश फुलफिलमेंट हो और आपके साथ अगर इन्हें आना है तो एक लंबी लड़ाई लड़के आना पड़ेगा या एक प्रॉपर जस्टिस के साथ आना पड़ेगा और उसके बाद भी हंड्रेड परसेंट कन्फर्मेशन नहीं है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे या नहीं करोगे इनको ऐसा भी फील होता है तो कोई तो बहुत नेगेटिव लफड़ा किया था बाबा इन्होंने जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इस तरीके से हुई चैरियट का कार्ड है क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है इनके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर के इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के तो मुझे मैं सच बताऊं मुझे अच्छी एनर्जीज फील नहीं हुई बिल्कुल भी बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है ठीक है तो दीज वर हिज और हर एनर्जीज आप जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं अब मैं देखूंगी कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे ठीक है इनके नेक्स्ट एक्शंस आपको लेके क्या रहने वाला है बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ वॉन्ट्स अगेन एरीज एरिस टावर लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स तो एक चीज तो यहां पर बहुत क्लियर है पहले मैं आप लोगों को कार्ड दिखा देती हूँ लुक एट दिस पिक्चर कितना खूबसूरत कार्ड है ये जस्ट कार लुक ऑन दिस पिक्चर सीरियसली ठीक है तो एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियरली कन्फर्म है पाइल नंबर टू पीपल कि प्यार तो है हाँ हो सकता है आपके बारे में अभी उतना सोच नहीं पाते क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ चला हुआ है तो क्लियर uh, सी बात है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है लाइक like, uh, इनकी तरफ से क्या एक्शन आप लोगों को क्या मिल सकता है पाइल नंबर टू पीपल इनकी तरफ से आप लोगों को नेक्स्ट एक्शन मिलेगा एस ऑफ पेंटिकल यानी कि कमिटमेंट ठीक है नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ से आपके लिए होगा एस ऑफ पेंटिकल्स और ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होने वाला है ठीक है कमिटमेंट ज़्यादातर लोगों के लिए अभी इंतजार है बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ लवर्स ठीक है अगर आप लोगों को पता हो आपने राइडर में कभी राइडर वेट डेक होता है उसके अंदर अगर कभी आप लोगों ने देखा हो तो लवर्स के बीच में एक पहाड़ है तो वो पहाड़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है तो अभी तो इंतजार है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए इंसान आकर के आपको कुछ दिनों में हो सकता है आगे आने वाले एट वीक्स या एट मंथ्स में कोई कमिटमेंट दे दे उससे पहले आप लोगों को ट्रांसफॉर्म होना होगा और इस नाइन ऑफ सोच की एनर्जी से बाहर आना होगा आप लोगों को पायल नंबर टू पीपल ट्रांसफॉर्म होना होगा उससे पहले पहले और आपको नाइन ऑफ सोच्स का कार्ड है अपनी इस खराब एनर्जी से बाहर आना होगा इन एनी ओके दीज व नेक्स्ट एक्शन लेट्स नेक्स्ट हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गार्डनर सरेंडिटी इमोशनल फ्रीडम बॉटम ऑफ द डे सेल्फ रिस्पेक्ट तो जैसा कि मैंने कहा ही था कि ये इंसान आपको आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट मिल सकता है तो आपको बोला जा रहा है कि आपने एकदम क्लियर रहना है बिकॉज इनकी तरफ से आपको एक पॉजिटिव एनर्जेटिक अलाइनमेंट मिल सकता है गार्डनर का कार्ड है यहाँ पे तो आई मस्ट से कुछ आप अपनी जिंदगी के अंदर प्लांट करेंगे और ये उस चीज को फील करके उस चीज को लेकर के बहुत हैप्पी फील करेंगे आपके ऊपर छोड़ देंगे बिल्कुल आगे आने वाले समय में इस रिश्ते का क्या करना है क्या नहीं करना है आपके ऊपर छोड़ देंगे बिल्कुल छोड़ देंगे और इंतजार में बैठ जाएंगे कि अब आप क्या सोचते हो उनके बारे में ठीक है लेट्स लव मैसेजेस पहला लव मैसेज है यू आर यू लव मी तो आप मुझसे प्यार करते हो सेकेंड मैसेज है यू रीड माय माइंड तीसरा है यू साउंड सेक्सी ओवर फोन एंड चौथा मैसेज है यू लुक डीप इनटू माय आईज पांचवा मैसेज है यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन और छठा मैसेज है यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू समझ रहे हैं प्यार तो आज भी करते हैं तभी तो इस तरीके के मैसेजेस हैं ठीक है थीके? लेकिन हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी नहीं है श्योरिटी नहीं है हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी एंड श्योरिटी नहीं है प्यार तो आज भी है इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है मुझे ऐसा लगता है आपको इस कनेक्शन को थोड़ा सरेंडर करना चाहिए लेट गो की भाव में लेकर चले जाना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए दिस इज वॉट आई फील आप लोगों के लिए एडवाइजेज है लुक फॉर अ साइन इट्स अप टू यू एंड सक्सेस तो आपको भी बोला जा रहा है कि अपने आप को इम्प्रूव कर लें बिकॉज यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ uh, मुझे सिर्फ हेल्थ नजर नहीं आती है ट्रांसफॉर्मेशन नजर आता है आपकी बॉडी माइंड एंड सोल का सो इम्प्रूव योर हेल्थ देन आप लोगों के लिए लुक फॉर अ साइन भगवान जी की तरफ से आपको एक स्ट्रांग पॉजिटिव साइन जरूर मिलेगा उसका थोड़ा इंतजार करें अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रुकते हैं आगे बढ़ते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सक्सेस तो आपको मिल सकती है इस रिश्ते में ठीक है जी तो जिन्होंने भी फाइल नंबर टू को पिक किया था जिनके भी पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक था तो ये थी उन लोगों की रीडिंग कितनी आपसे रेजोनेट हुई और आपको क्या महसूस हुआ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने सजेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो लव रीडिंग के लिए मुझे देना ना भूले क्योंकि रोज रात एक बज के ग्यारह मिनट पे आप लोगों को लव रीडिंग देखने को मिलने वाली है तो अपना ख्याल रखिएगा जल्दी मिलते हैं कौन नई है रीडिंग में